सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका इस ऑडिट फास्ट ट्रैक बैच में, जहां हम दोनों मिलके सर धूम मचा देंगे सीए इंटर ऑडिट में। यानी यू विल बी इजीली एबल टू सिक्योर एन एग्जेम्पशन इन ऑडिटिंग। आओ सर देखते हैं क्या है इस पेपर के बारे में। सबसे पहले तो सर अबाउट द पेपर, हमको ये बात बताओ, ये ऑडिट का पेपर इजी है या टफ? ये ऑडिट का पेपर इजी है या टफ? तो देखो, मैं अगर अपने हिसाब से बताऊं, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर। चाहे आप सीए इंटर की बात कर लो, चाहे आप सीए फाइनल की बात कर लो, सबसे आसान कौन? सर ऑडिट। यानी इसके अगर बारे में और बताओ, सर आप बताओ, क्या आप एक्चुअल में आपके नंबर कितने आए थे? तो अगर मैं बताऊं इंटर लेवल पे तो मेरे 66 मार्क्स आए थे। अगर मैं बताऊं फाइनल लेवल पे, तो आई सिक्योर्ड 71 मार्क्स इन सीए फाइनल। आई सिक्योर्ड 71 मार्क्स इन सीए फाइनल। तो मेरी आपसे भी एक ही दरख्वास्त रहेगी कि आप भी एकदम नेक्स्ट लेवल मार्क्स लेके आए, आप भी ऑडिट में एकदम रॉकस्टार बन के दिखाएं। क्या आप सब कमिटमेंट करते हैं कि आप भी एकदम नेक्स्ट लेवल नंबर लेके आएंगे? जल्दी से सारे बच्चे मुझे कमिटमेंट करेंगे, सर जो हो जाए, चाहे दुनिया की इधर उधर की हो जाए, हम कम से कम 70+ का कमिटमेंट करते हैं। हम कम से कम 70+ का कमिटमेंट करते हैं। जल्दी से सारे बच्चे मुझे चैट बॉक्स में कमिटमेंट करेंगे अभी के अभी। आप अपना कमिटमेंट लिखें, साथ ही साथ आप बताएं आप कौन सी सिटी से हैं, ये भी जरूर बताना आप कौन सी सिटी से, ताकि हमको पता चले इस ऑडिट की जर्नी में कौन कौन हमारे साथ जुड़ गया है। जल्दी से बताइए सर, जल्दी से बताइए। यस सर, बिल्कुल सर, क्या बात है। एक बार जो सर हमने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो हम किसी की नहीं सुनते, ठीक है, हम किसी की नहीं सुनते। क्या बात है, चॉकलेट वॉकलेट चल रही है, एकदम नेक्स्ट लेवल, एकदम नेक्स्ट लेवल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहां से हैं सब? गोरखपुर, रायपुर, पुर, पुणे, अहमदाबाद, ऑसम। गाजियाबाद से हैं सर? वो तो थोड़ा डर लग रहा है। राजनंद गांव, क्या बात है। फरीदाबाद, मुंबई, 75+, 80+, आहा क्या बात है। मेरठ, महाराष्ट्र, दिल्ली, आगरा, राजस्थान, नोएडा, क्या बात है जी। हल्द्वानी, ओए होए होए होए, यमुना विहार, दिल्ली दिल्ली दिल्ली, फरीदाबाद, पुणे, औसम 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 औसम। तुम बड़ी धीरे जल्दी जल्दी कर रहे हो यार, बड़ा बड़ा ही जल्दी जल्दी कर रहे हो, मेरे को पता नहीं जा रहा। हिंगोली, सच बताओ, हिंगोली तो हिंगोली कैसे नाम हो सकता है किसी जगह का। पाली, मारवाड़, क्या बात है। मुंबई, औसम। तो भाई आप जहां से भी हो, देखो ऑल इंडिया रैंक्स तो कहीं से भी आ सकती है। ऑल इंडिया रैंक का मतलब होता है आप कहीं से भी हो, कैसे भी हो, यू कैन इजीली सिक्योर गुड मार्क्स। सिलीगुड़ी, नंदेड़, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पंजाब, चलो सर औसम। ठीक है सर, आपने 70+ क्यों बोला, 90+ क्यों नहीं बोला? 90+ से ना प्रेशर आ जाता है, ठीक है। 90+ और 80+ में ना आपको टेंशन हो जाएगी। और क्या हम यहाँ पे टेंशन लेने के लिए बैठे हैं? नहीं, पढ़ने के लिए बैठे हैं। पढ़ाई में किस बात की टेंशन, इंजॉय करते करते पढ़ेंगे, शांति से पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे, रॉक करेंगे। अब सर कुछ क्लास इंस्ट्रक्शंस देख लो जल्दी जल्दी से। जितने भी आपके मोबाइल फोन है, चाहे एंड्रॉइड वाला हो या एप्पल वाला हो, उनको आपने अपनी नजरों से दूर रखना है। सर हम उसी पे क्लास देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसकी नोटिफिकेशन ऑफ रखो, डू नॉट डिस्टर्ब लगा दो, ताकि कोई भी हमारे और आपके बीच में ना आ सके। सेम थिंग सर, नेक्स्ट चीज आपने जो ध्यान में रखनी है वो ये है, यू नीड टू सिट विद अ रजिस्टर एंड अ पेन। यानी आपके पास एक रजिस्टर और एक पेन होना चाहिए, ताकि क्लास में जो भी मैं आपको चीजें नोट डाउन वगैरह कराऊं, वो आप साथ साथ नोट डाउन करते चल रहे हैं, एंड यू आर अटेंटिव इन द क्लास। सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू सिट विद इज अ वॉटर बॉटल। आपके पास एक प्यारी सी शानदार सी वॉटर बॉटल होनी चाहिए। सर वॉटर बॉटल क्यों होनी चाहिए? ताकि जब हम क्लास में कुछ सीखें, जब हम क्लास में कुछ याद करें, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली जब आप मेरे साथ बोलोगे तो आपका गला सूखेगा, और जब गला सूखेगा आपको पानी की जरूरत पड़ेगी। तो इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग अप गोइंग टू गेट द वॉटर, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप पानी भी साथ साथ पीते चले और आगे बढ़ते चले। नेक्स्ट थिंग इज यू नीड टू सिट विद अ चाइल्ड लाइक एटीट्यूड। हम बड़ी सारी ढेर सारी मेमोरी टेक्निक्स डिस्कस करेंगे इस क्लास में। वो मेमोरी टेक्निक्स अटपटी हो सकती है, चटपटी हो सकती है, झटपटी हो सकती है, जिनसे आपको ऑडिट याद होगा, लंबे समय के लिए याद होगा, यानी एग्जाम्स क्या एग्जाम्स के बाद भी याद रहेगा। उन मेमोरी टेक्निक्स के साथ पूरी शिद्दत से उनको सीखने के लिए यू नीड टू सिट विद अ चाइल्ड लाइक एटीट्यूड। जब तक आप चाइल्ड लाइक एटीट्यूड के साथ नहीं बैठेंगे, चीजें आपको नहीं आएंगी। तो यही मेरी सबसे पहली आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज सिट विद अ चाइल्ड लाइक एटीट्यूड। बच्चा कह रहा है, बोलो जुबा केसरी, वेरी वेरी गुड। अब सर हमारी अप्रोच क्या रहेगी? देखो विद इन द क्लास पहले तो हम चीजों को समझेंगे,
फिर हम चीजों को याद करेंगे, यानी जो हमारे 2 से 2.5 घंटे की अभी हम क्लास करने वाले हैं उसमें हमारा फोकस होगा टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड लर्न द थिंग्स। बट ये सब चीजें, ये सारी मेहनत तो क्लास में हो जाएगी, बट क्लास के बाद क्या, घर पे क्या करना है सर? घर पे आपका सिर्फ एक ही काम है, वो ये है कि आप रिवाइज करो जो आपने क्लास में पढ़ा है। जो आपने क्लास में पढ़ा है उसको रिवाइज करने में आपको 30-40 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, एंड जब आप उसको रिवाइज कर रहे हो साथ साथ रिकॉल करते चलो सीखा क्या है। जब आप रिवाइज और रिकॉल करोगे, यानी मंडे टू सैटरडे जो भी आप मेरे साथ सीखते हो उसको रिवाइज और रिकॉल करोगे, आप संडे के टेस्ट के लिए रेडी हो जाओगे। आप संडे के टेस्ट के लिए रेडी हो जाओगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू आई एक्सपेक्ट फ्रॉम योर साइड। माई साइड क्या, तुम्हारी साइड से मुझे ये एक्सपेक्टेड है कि हम जो भी सीखे मंडे टू सैटरडे उसके लिए आप सैटरडे इवनिंग को प्रिपेयर करेंगे, संडे मॉर्निंग को प्रिपेयर करेंगे, एंड संडे आफ्टरनून्स में आप टेस्ट देते हुए चलेंगे। सर डाउट सपोर्ट के बारे में बताओ, क्या हमको डाउट सपोर्ट मिलेगा क्या, या आप हमको ऐसे ही छोड़ दोगे? ऐसे कैसे छोड़ देंगे तुमको, जब तक आपकी एग्जेम्पशन नहीं आ जाती ऑडिट में हम आपको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? सो आपके पास प्रॉपर डाउट सपोर्ट रहेगा, चाहे आप लाइव में हो चाहे आप रिकॉर्डेड में हो। हम एक कॉमन टेलीग्राम ग्रुप रखेंगे, हम एक कॉमन टेलीग्राम ग्रुप रखेंगे जहां पे सारे बच्चे जो डाउट डालना है डालो, दूसरा बच्चा पहले बच्चे की, पहला बच्चा दूसरे बच्चे की, सब एक दूसरे की मदद करेंगे ताकि हम सब ऑडिट के टच में रहे। और अगर कोई ऐसा अटपटा छटपटा डाउट आ जाता है जो बच्चों से सॉल्व नहीं हो रहा, तो सर भी तो बैठे ही हैं, सर भी उसी ग्रुप का पार्ट होंगे, सर आपकी हेल्प कर देंगे। प्लस मैं आपको अपना एक डाउट सपोर्ट नंबर भी दूंगा, उस नंबर के थ्रू भी आप डाउट सपोर्ट के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। क्या ये बहुत समझ में आई क्या? यस सर। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द पेपर पैटर्न। बड़ा ही मामूली सा पेपर पैटर्न है सर, 60 नंबर नहीं 70 नंबर का है, ठीक है? 60 नंबर का कब से हो गया ये? 70 नंबर का है। तो आपका जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है वो 70 मार्क्स का होगा, ठीक है? उस 70 मार्क्स के अलावा आपका जो एमसीक्यू पोर्शन है वो 30 मार्क्स का होगा। तो 70 प्लस 30 कितना हो गया? 100 मार्क्स। उस 100 मार्क्स में से कम हमने कहा था टारगेट 70 प्लस 4 करना है। सर 70 प्लस कैसे स्कोर होगा? 30 से कम आप 25 स्कोर करके चलोगे, 30 में आप कम से कम 25 स्कोर करके चलोगे, और 70 से कम 45 स्कोर करोगे। मैं अभी भी बोल रहा हूं ये कम से कम है, तो कहीं ना कहीं आपके जो 45 प्लस 25 ऐड हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली गाड़ी 70 के पार पहुंच जाएगी। सर ये जो टेस्ट होंगे लाइव वाले बच्चों के लिए एवरी संडे, आप संडे को टेस्ट दो, पेपर चेक होगा, मिलेगा, मजा आएगा। जो रिकॉर्डेड बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिट है। सर उनके लिए क्या बेनिफिट है? मजे की बात यह है, उनके लिए दे कैन गिव एज पर देयर कन्वीनियंस। यानी अब ये रिकॉर्डेड है तो क्लास भी अपनी कन्वीनियंस पे देख रहे हैं, टेस्ट भी अपनी कन्वीनियंस पे देंगे, ठीक है? राजा लोग हैं ये, तो दे कैन गिव देयर टेस्ट एज पर देयर कन्वीनियंस। मेल आईडी विल बी गिवन इन द क्वेश्चन पेपर्स। दीज क्वेश्चन पेपर्स आर अवेलेबल इन योर गूगल ड्राइव। तो जो आपके टेस्ट होंगे वो आपने अपनी बैच रिसीट के साथ मेरे को मेल करने हैं, एंड फिर आपको चेक होके मिल जाएंगे। जब आप टेस्ट दे दोगे हीरो बन जाओगे, ऑटोमेटिकली आपकी ऑडिट की नैया पार लग जाएगी। सो लेट्स बिगिन दिस जर्नी ऑफ लर्न विद फन। लेट्स लर्न विद फन, लेट्स स्टार्ट विद द CA इंटर ऑडिटिंग। क्या आप सब रेडी हैं? जल्दी से बताइए, एवरीवन ऑल सेट फॉर CA इंटर ऑडिटिंग? जल्दी से बताओ हाँ या ना। सारे बच्चे पानी के दो दो घूंट लगाएंगे और सेट हो जाएंगे पढ़ने के लिए। कम ऑन, आ जाओ जी, ऑल गुड। टन 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 टारा, ऑडिट में आएगा एग्जम्पशन हमारा। चलो जी लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग। सर ये ऑडिटिंग क्या है, क्यों है, क्यों हम पढ़ रहे हैं ऑडिटिंग के बारे में? तो सबसे पहले आपका जो पेपर है, सबसे पहले जो आपका पेपर है सर, उसका नाम क्या है? ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस, ठीक है? उस ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस के लिए आपको ये किताब मिली है, ठीक है? तो ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस है क्या, क्यों है ये ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस, ये सारी अब हम डिस्कशन करेंगे। ध्यान से समझना सर, ये है एक कंपनी, ये है एक कंपनी, इसके एक तरफ है एक लोग, दूसरी तरफ है दूसरे लोग, इस तरफ है सर इसके ओनर्स, इन ओनर्स ने कंपनी में लगाया पैसा। सर दूसरी तरफ कौन है? इस कंपनी को चलाने वाले, इस कंपनी को चलाने वाले सर, यानी इस कंपनी की मैनेजमेंट। अब ओनर्स क्या करते हैं ना सर, ओनर्स हर साल जाते हैं मैनेजमेंट के पास और मैनेजमेंट से पूछते हैं इस साल कंपनी ने क्या किया,
मैनेजमेंट कहती है बड़ा ही मजेदार काम किया, ढेर सारा प्रॉफिट कमाया, ढेर सारे एसेट्स हो गए, लायबिलिटी बड़ी कम है, बेस्ट कंपनी ऑफ द ईयर का बस अब इसको अवार्ड मिलना बाकी है, हमारे फाइनेंशियल्स तो एकदम चकाचक है। सर ओनर्स बड़े खुश हो गए, ओनर्स ने शाबाशी दी, मैनेजमेंट ने कहा थोड़ी हमको कमीशन दे दो प्रॉफिट में से, ओनर्स ने दे दिया। पहले साल तो ऐसा ही हुआ, पहले साल तो ऐसा ही हुआ, दूसरा साल फिर आया, फिर ओनर्स गए मैनेजमेंट के पास और पूछा कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, उन्होंने फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सामने लाके रख दी और बोला प्रॉफिट बड़ा चकाचक था, एसेट ऊपर जाते जा रहे हैं, लायबिलिटीज नीचे जाती जा रही है, बेस्ट कंपनी ऑफ द ईयर का हमको खिताब इस बार भी मिल जाएगा। तो ओनर्स ना बड़े खुश चल रहे थे तीन चार साल तक। फिफ्थ ईयर में उनको रियलाइज हुआ मैनेजमेंट इनको बेवकूफ बना रही है, ये जो मैनेजमेंट है ये इनको बेवकूफ बनाती है, ये अपने प्रॉफिट्स को इन्फ्लेट करती जा रही थी। तो ओनर्स का मैनेजमेंट पे से विश्वास उठ गया एंड उनको लगा कि अब उनको किसी की जरूरत है, अब उनको किसी की जरूरत है कि वो आए और एक्चुअल में चेक करे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही बने हैं या नहीं बने हैं, क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्चुअल में ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं या नहीं अबाउट द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द एंटिटी। सर स्टेट ऑफ अफेयर्स यानी बैलेंस शीट, अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी यानी कि PNL। अब सर ये कौन है जो ओनर्स की मदद करेगा बताना जरा चैट बॉक्स में, मैं किसकी बात कर रहा हूं, हु इज द जेंटलमैन, हु इज द जेंटलवुमैन, कौन है ये व्यक्ति, कौन है ये हस्ती जो ओनर्स की मदद करेगा इन चेकिंग कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने हैं या नहीं, किसकी बात हो रही है, किसको इंट्रोड्यूस करें, जल्दी से बताइए, कम ऑन, हु आर वी टॉकिंग अबाउट, टिक टिक वन, टिक टिक टू, बोलो ना सर, हम बात कर रहे हैं दो 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 ऑडिटर की, हम बात कर रहे हैं द ऑडिटर की, ऑडिटर आएगा ऑडिट करेगा एंड जब वो ऑडिट करेगा तो फिर वो अश्योरेंस देगा, वो देगा सर अश्योरेंस यानी वो देगा अपना ओपिनियन कि एक्चुअल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं कि नहीं। एंड सर इस ऑडिट की ना हमारे लिए एक खास वैल्यू है, इस ऑडिट के पेपर की हमारे लिए एक खास वैल्यू है, वो तो मैं आपको बताना ही भूल गया। सर आपके इंटरमीडिएट में कितने सारे पेपर्स हैं, पहले तो अकाउंट्स हैं, फिर उसके बाद लॉ है, फिर टैक्सेशन है, फिर उसके बाद आपके पास EIS SM है, FM ECO है एंड फिर आपके पास ऑडिट भी है, ये सारे एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, यानी सारे सब्जेक्ट एक तरफ गए, ऑडिट एक तरफ आया, बताओ क्यों? ये जो सारे काम है ना ये तो भाई साहब कोई भी कर सकता है, ये तो कोई भी कर सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या ना हो, यानी अगर कल को किसी ने बीकॉम ऑनर्स कर लिया तो वो भी अकाउंट्स बना सकता है। अगर कोई कंपनी सेक्रेटरी, बच्चा कह रहा है कॉस्टिंग को भूल गए, कॉस्टिंग बुरा मान जाएगा, चलो कॉस्टिंग को भी याद रखते हैं, अगर मैं लॉ की बात करूं तो ये तो कंपनी सेक्रेटरी से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। अगर मैं बात करूं टैक्सेशन की, ऑटोमेटिकली जिसको भी टैक्स लॉज आते हैं वो टैक्सेशन के ऊपर खेल सकता है। EIS की अगर मैं बात करूं ये इंजीनियर बेस्ट करेंगे, खासकर कंप्यूटर इंजीनियर जो होते हैं। अगर मैं बात करूं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, MBAs का काम ही यही है, उनको 2 साल MBA में यही पढ़ाया जाता है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैसे की जाती है। FM की बात करूं अगेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट MBA वगैरह लोग अच्छे से कर सकते हैं। इको की बात करूं तो इको ऑनर्स वाले कर लेंगे, बट इकलौता ऑडिट एक ऐसी चीज है जिसकी हमारे पास एक्सक्लूसिव राइट है, जिसकी हमारे पास एक्सक्लूसिव राइट है, यानी हम ही हैं, केवल हम ही हैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑडिट कर सकते हैं। किसी और को ले आओ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर सकता हो, तुम किसी को नहीं ला पाओगे, सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर सकता है। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस सब्जेक्ट, यू हैव द एक्सक्लूसिव राइट, आपके पास मोनोपोली है एंड अगर आप ऑडिट को अच्छे से सीख गए समझ गए फिर आपका इस फील्ड में कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर ये बात समझ में आई। लेट्स सी व्हाट इज एक्चुअली ऑडिटिंग। सर ऑडिटिंग क्या है? अभी अभी मैंने आपको ऊपर ऊपर से बताया है कि हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेक करना है कि वो सही बने हैं या नहीं। सर इसको अंग्रेजी भाषा में कैसे कहेंगे? तो यू विल से इट इज एन
इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। सर इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का क्या मतलब है? क्या ऑडिटर एंटिटी में मैनेजमेंट के साथ मिला हुआ होना चाहिए या इंडिपेंडेंट होना चाहिए? सर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्या ऑडिटर का एंटिटी में कोई इंटरेस्ट होना चाहिए या इंडिपेंडेंट होना चाहिए? सर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ताकि वो अपना ओपिनियन बिना किसी बायसनेस के दे। इसीलिए हमारा ऑडिटर कैसा हो? सर इंडिपेंडेंट हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिमेंबर दैट ऑडिट इज नॉट ओनली एन एग्जामिनेशन बट एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। सर इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसकी? बोलना जरा, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसकी? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अरे ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, यानी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो जो चीजें आती हैं उसको हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का नाम दे सकते हैं। इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसकी? ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अरे किसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? ऑफ एन एंटिटी, ऑफ एनी एंटिटी। अब सर एंटिटी में हम भेदभाव नहीं करते, हम एंटिटी में भेदभाव नहीं करते, यानी दिस एंटिटी कैन बी प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, यानी ये एनजीओ भी हो सकता है। हाँ ये आपका एक एनजीओ भी हो सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज एंड लीगल फॉर्म। यानी ये एंटिटी बिग एंटिटी भी हो सकती है, कोई स्मॉल एंटिटी भी हो सकती है। सर लीगल फॉर्म का क्या मतलब है? ये कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई पार्टनरशिप फॉर्म भी हो सकती है। तो अल्टीमेटली आपने बस ऑडिट में ये याद रखना है। सर क्या बोलना है? बोलो मेरे साथ, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अब बोलो किसकी इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अरे किसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी को ना खोल दो। सर खोल दो का क्या मतलब है? अरे इसके बारे में थोड़ा और बताओ ना, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज एंड लीगल फॉर्म। सर ये एग्जामिनेशन हो क्यों रही है? हम ये एग्जामिनेशन कर क्यों रहे हैं? व्हेन सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ये ओपिनियन हम किसको एक्सप्रेस करेंगे? बताना जरा किसके लिए कर रहे हैं ऑडिट, फॉर हुम आर वी डूइंग द ऑडिट? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटिटी। ऑफ ऑफ करके तो समझ आ गया, बट किया क्यों? ओपिनियन देने के लिए। कौन है जो हमारे ओपिनियन में इंटरेस्टेड है? किसको हमारे ओपिनियन में दिलचस्पी है? मुझे तुझ में बड़ी दिलचस्पी है, बताना किसको हमारे ओपिनियन में दिलचस्पी हो रही है? सर बताओ, सबने बिल्कुल सही कहा, सबने बिल्कुल सही कहा। सर जो ओनर्स हैं, जो ओनर्स हैं उनको हमारे ओपिनियन में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। ओनर्स ऑफ द एंटिटी, ओनर्स ऑफ द एंटिटी आर इंटरेस्टेड, दे आर इंटरेस्टेड इन अवर ओपिनियन। ठीक है, तो उनको सबसे ज्यादा दिलचस्पी है, उन्हीं के लिए हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट। फटाफट फटाफट 2 मिनट लेंगे और अभी के अभी ये डेफिनेशन याद करके मुझे कंफर्म करेंगे। क्विकली लर्न दिस डेफिनेशन राइट अवे राइट नाउ। क्या है सर ऑडिट? इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। सर किसकी इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? ऑफ द एंटिटी। बस 2 बार किसकी किसकी करना और आखिरी में बोल देना, इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपना ओपिनियन दे सके। कम ऑन यू कैन डू इट, जल्दी से। शाबाश अंकिता, शाबाश। बाकी बच्चे भी एकदम अच्छे से, बाकी बच्चे भी एकदम अच्छे से शानदार तरीके से करेंगे एकदम। रुक जाना नहीं तो कभी हार के। चले सर बड़े आगे, औसम औसम औसम। तो अगर मैं रात को 4 बजे आपको उठाऊं और मैं पूछूं व्हाट इज ऑडिट, तो तुम बोलोगे एग्जामिनेशन, और फिर मैं तुम्हारा कान पकड़ूंगा और बोलूंगा एग्जामिनेशन नहीं इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। सर
सर इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसकी? ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अरे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसकी है? चुन्नू की है, मुन्नू की है, टोनी की है? सर ऑफ एन एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज एंड लीगल फॉर्म। क्यों कर रहे एग्जामिनेशन? विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर ये बात समझ आई। बट ये इंडिपेंडेंट भी ना बड़ी मजेदार चीज है, ये इंडिपेंडेंट भी बड़ी मजेदार चीज है। सर इंडिपेंडेंस के बारे में और बताओ। हमारा देश भारत 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ, पुअर जोक। और बताओ तुम्हें इंडिपेंडेंस के बारे में, आओ तुम्हें इंडिपेंडेंस के बारे में बताऊं। क्या चाहिए इंडिपेंडेंट बनने के लिए? यस सर हमको वो जानना है, हमको वो जानना है कि इंडिपेंडेंट बनने के लिए क्या चाहिए। तो आओ तुमको ले चले इंडिपेंडेंस के बारे में बताएं। सर इंडिपेंडेंस के लिए चाहिए, इंडिपेंडेंस के लिए चाहिए आपको 5 क्वालिटीज। इंडिपेंडेंस के लिए 5 क्वालिटीज चाहिए। कहां गई वो क्वालिटीज? मैं वही ढूंढ रहा हूं, आओ तुमको दिखाऊं। दीज आर द 5 क्वालिटीज, दीज आर द 5 क्वालिटीज दैट यू नीड टू बिकम इंडिपेंडेंट। एक एक करके सारी क्वालिटी समझेंगे। सर क्या कहता है? देखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, आप इसको ये भी ले सकते हो, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी अगर आपको इंडिपेंडेंस मेंटेन करनी है, अगर आपको इंडिपेंडेंस मेंटेन करनी है, तो आपको ये 5 प्रिंसिपल्स के साथ कंप्लाई करके चलना पड़ेगा। सर रिकॉर्डिंग है क्या? नहीं, लाइव चल रहा है यार, लाइव चल रहा है। शिवम पूछ रहे हैं ना? हाँ शिवम लाइव चल रहा है। इधर आओ, इधर देखो, इधर देखो। सबसे पहले इंटीग्रिटी, सबसे पहले क्या चाहिए सर? इंटीग्रिटी। बड़ा क्यूट सा नाम है। इंटीग्रिटी का क्या मतलब है? बंदा जो है ना वो सच्चा और सीधी बात करने वाला होना चाहिए, सच्चा और सीधी बात करने वाला होना चाहिए। सर सच्चा और सीधी बात, यानी सच्चा मतलब क्या है? सच्चा मतलब ऑनेस्ट। पेज नंबर 14, ठीक है, पेज नंबर 14 पे आ जाओ। हमारा जो बंदा होना चाहिए, हमारा जो ऑडिटर है, क्या ये झूठा होना चाहिए क्या? अरे सर सच्चा होना चाहिए, तभी तो इसकी रिपोर्ट पे लोग विश्वास करेंगे। एंड इसकी रिपोर्ट में जो भी ये बात लिखेगा, घुमा घुमा के नहीं लिखेगा, सीधी बात करेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेगा। देखो क्या कहता है, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी रिक्वायर्स ऑडिटर टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप्स। अगेन, जो हमारा इंटीग्रिटी है वो क्या कहता है कि सर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, सीधी बात करना चाहिए। सर ऑनेस्ट का मतलब क्या है? ट्रू एंड फेयर व्यू। आपके अंदर कहीं ना कहीं, अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चाहते हो ट्रू एंड फेयर व्यू हो, तो ट्रूथफुलनेस एंड फेयर डीलिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, आप कभी भी ऐसी रिपोर्ट के साथ इश्यू नहीं करोगे। नेवर एसोसिएट विद द रिपोर्ट्स, रिटर्न्स और कम्युनिकेशन जहां पे झूठी बातें लिखी हैं, मटीरियली फॉल्स बातें लिखी हैं, मिसलीडिंग बातें लिखी हैं, और ऐसी बातें लिखी हैं विच हैव बीन प्रोवाइडेड रेकलेसली। रेकलेसली का क्या मतलब है? बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे सामने वाले बंदे ने इंफॉर्मेशन दे दी। एंड लास्ट बात है, जो बात होनी चाहिए वो लिखी ही नहीं है, जो बात होनी चाहिए वो लिखी ही नहीं है। यानी इट ओमिट्स द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन वेयर सच ओमिशन कैन बी मिसलीडिंग। तो अगर आपसे कल को कोई पूछे इंटीग्रिटी का क्या मतलब है, सर इंटीग्रिटी का मतलब है बंदा सच्चा है और सीधी बात करता है। सच्चा का क्या मतलब है सर? ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इन ऑल हिज प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप। सर इसी से आप नेक्स्ट पॉइंट निकालेंगे, ऑनेस्ट मतलब वो ट्रू एंड फेयर व्यू है। सर ट्रू एंड फेयर व्यू का क्या मतलब है? ट्रूथफुलनेस एंड फेयर डीलिंग। एंड लास्ट में आप बोलोगे वो कोई भी ऐसी रिपोर्ट, कोई भी ऐसी कम्युनिकेशन के साथ एसोसिएट नहीं करेगा जो गलत है। गलत का क्या मतलब है? मटीरियली फॉल्स, मिसलीडिंग, या फिर उसमें जो होना चाहिए वो मिसिंग है, दैट इज इट इज ओमिटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। क्या इंटीग्रिटी का मीनिंग क्लियर है? जल्दी से बताओ, आर द कीवर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कम ऑन, इज इंटीग्रिटी क्लियर? क्या क्या पॉइंट्स आ गए? ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट से आपने निकाला ट्रू एंड फेयर व्यू, यानी ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए, फेयर डीलिंग होनी चाहिए। आप किसी भी ऐसी रिपोर्ट के साथ इशू नहीं करोगे, एसोसिएट नहीं होगी जो गलत है। सर गलत का क्या मतलब है? मटीरियली फॉल्स है, मिसलीडिंग है, या फिर वो ओमिट कर रही है रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। सर इंटीग्रिटी के बाद बताओ और क्या क्या होना चाहिए? इंटीग्रिटी के बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी की। ऑब्जेक्टिविटी कहता है कि यू विल नॉट कॉम्प्रोमाइज,
आप अपनी प्रोफेशनल जजमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ बायसनेस। सर बायसनेस का क्या मतलब है? मेरे सामने दो डिशेस थी, एक डिश मेरी मम्मी ने बनाई थी, एक डिश मेरे दोस्त की मम्मी ने बनाई थी, ठीक है। मुझे मेरी मम्मी फॉर ऑब्वियस रीजन ज्यादा पसंद है, तो अगर मेरे से कोई पूछे दोनों में से कौन सी डिश अच्छी बनी है, मैं यही बोलूंगा जो मेरी मम्मी ने डिश बनाई है वो अच्छी है। तो मैं अपनी मम्मी के प्रति क्या हो रहा हूं? सर आप बायस हो रहे हो। प्लस सेकेंड केस, अगर मैं आपको बोलूं दो एंटिटीज हैं, एक एंटिटी में मेरा पैसा लगा हुआ है, एक एंटिटी में मेरा पैसा नहीं लगा हुआ, मुझे किस एंटिटी के प्रॉफिट से फर्क पड़ता है? सर उस एंटिटी के प्रॉफिट से फर्क पड़ता है जिसमें आपका पैसा लगा हुआ है। कहीं ना कहीं आपका उस एंटिटी में इंटरेस्ट है, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सर तीसरी चीज ध्यान से समझना इस बात को, मेरी एक दोस्त है, वो मेरे लिए सर क्या बना के लाई? पराठे बना के लाई। जब मैं वो पराठे खा रहा था, मुझे पराठे अच्छे नहीं लगे। उसने मुझसे पूछा कि सर पराठे कैसे थे? मैंने कहा अच्छे थे। ये मैं अच्छा अपने मन से बोल रहा हूं या उसके मन से बोल रहा हूं, जल्दी से बताना। मेरे लिए वो पराठे लाई, मैंने कहा पराठे अच्छे बने, जबकि अच्छे थे नहीं। आई होप वो लेक्चर ना देखे। तो आप बताओ ये मैं अपने मन से बोल रहा हूं या उसके मन से बोल रहा हूं, किसके मन से बोल रहा हूं ये बात? मजनू भाई कह रहे हैं ओहो, एक तो ये मजनू भाई का भाई नाम चेंज कराओ यार, टेक्निकल वाली टीम क्या कर रही है, मजनू भाई कैसे आ गए अपने इसमें? सर आप उसके मन की बात बोल रहे हो, इसको कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। इसको कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो कहीं ना कहीं बायसनेस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होने चाहिए। अगर आपके केस में बायसनेस होगी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा या अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा, कहीं ना कहीं आप अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को कॉम्प्रोमाइज कर रहे होगे। तो याद रखना, यू विल नॉट कॉम्प्रोमाइज योर जजमेंट। आप अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे किसी और की वजह से। तो सर क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं? पहले तो आप बोलो खुद की बायसनेस, खुद का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगेन, खुद की बायसनेस, खुद का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एंड सर दूसरे की जो चीज होती है उसको क्या कहते हैं? Undue influence of the other person. So self bias, self conflict of interest avoid करेंगे तो आप इसको बोल सकते हो self BC. आप self biasness, self conflict of interest avoid करेंगे. And अगर किसी दूसरे की undue influence है तो उससे भी बच के चलेंगे. Next point is regarding the professional competence and due care. Sir, professional competence and due care क्या कहता है? आपके अंदर proper knowledge होनी चाहिए, आपके पास proper skill होनी चाहिए काम करने के लिए. It requires that the auditor should attain and maintain professional knowledge and skill. सर क्या सिर्फ मुझे अटेन करना है या मेंटेन भी करना है? दोनों चीजें। सिर्फ अटेन करने से काम नहीं चलेगा, मेंटेन भी करके चलनी पड़ेगी, यानी मुझे अपडेटेड रहना पड़ेगा कि मार्केट में क्या क्या नई नई खबरें आ रही हैं। अगर आज मैंने डायरेक्ट टैक्स सीख लिया तो मुझे देखना पड़ेगा मार्केट में क्या क्या अमेंडमेंट्स आ रही हैं। अगर आज मैंने इंडेक्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीख लिए तो देखना पड़ेगा क्या क्या अमेंडमेंट्स आ रही हैं। सो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, you don't only have to attain the knowledge but you also have to maintain it. You need to be updated ki market mein chal kya raha hai. So attain and maintain professional knowledge and skill at the level which is required to render competent professional service and legislation, and also to act diligently and in accordance with the technical and professional standards. Agar aap dhang se kaam karna chahte ho, agar aap standards ko follow karke kaam karna chahte ho, it is very important that you attain and maintain professional knowledge and skill. Next point is sir confidentiality. Sir confidentiality ke bare mein batao na thoda. Main ek auditor hu, theek hai sir. आपको पता है कंपनीज के शेयर्स होते हैं मार्केट में? हाँ सर हमको पता है कंपनीज के शेयर्स होते हैं। अगर मैं किसी कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं तो इसका मतलब उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट इससे पहले कि पब्लिक के पास पहुंचे वो तो मेरे पास होते हैं। हाँ सर आपके पास होते हैं। सोचो पब्लिक को पता चले, उससे पहले मुझे पता चल गया कि कंपनी का धांसू प्रॉफिट होने वाला है, मैं क्या करूंगा? जल्दी से बताना मैं क्या करूंगा। सर आप कंपनी के शेयर खरीद लोगे, बट मेरे को तो लोग पकड़ लेंगे। अगर मैं जिस कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं मैं उसी के शेयर खरीद लूंगा तो मैं तो आसानी से पकड़ा जाऊंगा कि मैं गलत काम कर रहा हूं। अगर मैं अपने दोस्त को बता दूं और वो दोस्त उस कंपनी के शेयर खरीद ले और जब उसका रिजल्ट मार्केट में आए कि इस कंपनी ने धांसू प्रॉफिट्स करें और वो शेयर बेच के पैसे कमा ले, प्रॉफिट कमा ले, और मैं उस प्रॉफिट में से थोड़ा शेयर ले लूं, कोई दिक्कत की बात है क्या? जल्दी से बताना क्या कोई दिक्कत की बात है?
बोलो जी बोलो, क्या ये कोई दिक्कत की बात है क्या? अरे क्या अब मैं कंपनी के प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा दिखाना चाहूंगा एज एन ऑडिटर? आंसर इज यस। तो ये भी आपकी इंडिपेंडेंस को अफेक्ट करता है, ये भी आपकी इंडिपेंडेंस को अफेक्ट करता है। बच्चा कह रहा है नहीं, कैसे नहीं भाई साहब, क्या तुम अब इंडिपेंडेंटली काम कर पाओगे? क्या आपको लगता है कि एज एन ऑडिटर अब मैं उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑब्जेक्टिवली ऑडिट कर पाऊंगा? मेरा तो इंटरेस्ट आ गया उसमें। इसको सर इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। वेरी गुड। तो अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो आपने उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को रिस्पेक्ट करके चलना है। आपने उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को रिस्पेक्ट करना है। यू नीड टू रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशनशिप। लास्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग द प्रोफेशनल बिहेवियर। द प्रोफेशनल बिहेवियर का क्या मतलब है? जो भी लॉज है, रेगुलेशन है, कानून है, जो भी कानून है आपने उसके साथ कंप्लाई करना है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना, अवॉइड एनी कंडक्ट दैट यू नो विल माइट डिसक्रेडिट द प्रोफेशन, जो हमारे प्रोफेशन की बदनामी करे, जो हमारे प्रोफेशन की बदनामी करे। तो यही पांच प्रिंसिपल्स अगर आप मेंटेन करते हो तो आप कह सकते हो आप एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर हो। एंड सर एक बात और बताना, ये जो इंडिपेंडेंस है ये मेरे माइंड में होनी चाहिए या दिखनी भी चाहिए? यानी मैं तो बोलता हूं मैं एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर हूं, मैं तो बोलता हूं मैं एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर हूं, मेरे सारे एक्शंस इंडिपेंडेंट हैं, बट अल्टीमेटली मुझे मेरे क्लाइंट ने गोवा भेजा है हॉलीडे पे, मुझे मेरे क्लाइंट ने गोवा भेजा है हॉलीडे पे, क्या ये इंडिपेंडेंस अपियरेंस में भी है? क्या ये इंडिपेंडेंस दिख रही है जो मेरे माइंड में है या नहीं? जल्दी से बताओ, बताना जरा, कम ऑन। इंडिपेंडेंस क्या ये मेरे, वो बात आपने सही बोली कि माइंड में भी होनी चाहिए, अपियरेंस में भी होनी चाहिए, बट अगर मेरा क्लाइंट मेरे को गोवा भेजेगा तो क्या ये इंडिपेंडेंस इन अपियरेंस है या नहीं? दिखनी भी चाहिए। वेरी वेरी गुड। सो इन दिस केस इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंस इन अपियरेंस, ये इंडिपेंडेंस इन अपियरेंस नहीं है। उसने मुझे गोवा हॉलीडे के लिए भेजा है, उसने मुझे गोवा अपने ऑडिट के लिए नहीं भेजा, हॉलीडे के लिए भेजा है। तो कहीं ना कहीं ये अपियरेंस में तो बिल्कुल भी इंडिपेंडेंस नहीं है। तो याद रखना, सिर्फ माइंड में इंडिपेंडेंस नहीं, अपियरेंस में भी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। तो अगर आपसे कल को आईसीए पूछे व्हाट आर द फाइव प्रिंसिपल्स, व्हाट आर द फाइव प्रिंसिपल्स ऑफ द कोड ऑफ एथिक्स जो आपको इंडिपेंडेंट बनाते हैं, तो सर ये पांच प्रिंसिपल्स क्या हैं? ये वो पांच प्रिंसिपल्स हैं जो कोई भी प्रोफेशनल में, जो कोई भी प्रोफेशनल के अंदर होने चाहिए। सर कोई भी प्रोफेशनल का क्या मतलब है? सी फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी। यू नीड टू रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू एक्वायर व्हाइल डूइंग अ प्रोफेशनल एंगेजमेंट। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर, सी फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी। सर ओ फॉर ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब था? मैं अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, जो मेरी प्रोफेशनल जजमेंट है मैं उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा बिकॉज ऑफ खुद की बायसनेस, खुद का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। याद है बीसी, बायसनेस एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सर दूसरे का क्या था? दूसरे के अनड्यू इन्फ्लुएंस, यानी इन तीनों चीजों की वजह से मेरी ऑब्जेक्टिविटी हैम्पर नहीं होनी चाहिए। आई का मतलब क्या था सर? आई का मतलब है इंटीग्रिटी। याद है इंटीग्रिटी का क्या मतलब है? सच्चा और सीधी बातें करने वाला, ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। ऑनेस्ट का मतलब क्या था? ट्रू एंड फेयर, ट्रूथफुलनेस एंड फेयर डीलिंग, प्लस नेवर एसोसिएट विद अ रिपोर्ट, नेवर एसोसिएट विद अ रिपोर्ट जहां आपको पता है उस रिपोर्ट में मटेरियली फॉल्स इंफॉर्मेशन है। सर एम फॉर मटेरियली फॉल्स, एम फॉर मिसलीडिंग, कम ऑन। एम फॉर मटेरियली फॉल्स, एम फॉर मिसलीडिंग, प्लस जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए है ही नहीं। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इट ओमिट्स द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, इट ओमिट्स द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। तो अगर वो ओमिट कर रही है रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन तो ये भी बड़ी दिक्कत की बात है। तो यही पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। सर कोई का क्या मतलब था? कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी। प्रोफेशनल का क्या मतलब है? इसके दो मतलब है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। सर ये दो वर्ड से बना है। कॉम्पिटेंट कौन है? जो अटेन भी करता है और मेंटेन भी करता है। अगेन, जो अटेन भी करता है, मेंटेन भी करता है नॉलेज एंड स्किल।
ड्यू केयर का मतलब है आप जो भी करेंगे डिलीजेंस से करेंगे. एंड लास्ट पॉइंट इज प्रोफेशनल बिहेवियर. सर इसका मतलब दो ही चीजें हैं, यू नीड टू कंप्लाई विद द लॉ प्लस नॉट डू एनीथिंग, ऐसा कुछ भी मत करना विच कैन डिसक्रेडिट द प्रोफेशन, जो हमारे प्रोफेशन की बदनामी करे. क्या आपको ये पांचों बातें समझ में आई? जल्दी से बताओ क्या ये पांचों पॉइंट्स क्लियर हैं? अगर क्लियर है तो फटाफट इसको नोट डाउन करो, फटाफट इन पॉइंट्स को नोट डाउन करो. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. दो मिनट हैं, आंखें बंद करके रिकॉल करके कंफर्म करो मुझे. शाबाश शाबाश शाबाश. यस साक्षी, योर मैसेजेस आर विजिबल, कोई दिक्कत नहीं है. लास्ट 20 seconds, जल्दी से. Awesome. तो सर हम कर क्या रहे हैं, चल क्या रहा है हमारे, तो सर सब ऊपर से जा रहे हैं, थोड़ा सा बताओ तो सही. अभी आपने सीखी ऑडिट की डेफिनेशन, अभी आपने मेरे साथ सीखी ऑडिट की डेफिनेशन. हाँ यार तुम्हारे मैसेजेस दिख रहे हैं ना एक एक करके, अब थोड़ी बताऊंगा किस किस के मैसेज दिख रहे हैं. इधर देखो ना, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो. हमें क्या करनी है सर, हमने अभी तो पढ़ा ऑडिट की डेफिनेशन. ऑडिट का मतलब क्या था? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. यानी आपने एग्जामिनेशन नहीं करनी, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करनी है. किसकी? ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. अरे किसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? ऑफ एन एंटिटी. एंड सर ऑफ एन एंटिटी का क्या मतलब है? एंटिटी को खोल दो, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज एंड लीगल फॉर्म. एंड सर हमने क्यों की थी एग्जामिनेशन? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन. यहीं पे जब हम पढ़ रहे थे इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन के बारे में, तो मैंने आपको बोला इंडिपेंडेंस के बारे में थोड़ा और जानते हैं. तो हमने अभी पांच प्रिंसिपल्स डिस्कस करे फटाफट फटाफट. सर ये पांच प्रिंसिपल्स क्या हैं? ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कोई भी प्रोफेशनल के अंदर होने चाहिए. सर कोई का क्या मतलब था? कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी. प्रोफेशनल का क्या मतलब है? प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर. क्या ये पांचों बातें अब क्लियर है? हाँ सर. बट कहीं ना कहीं जो आप इंडिपेंडेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, जो आप इंडिपेंडेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, उस इंडिपेंडेंस पे कई बार थ्रेट्स भी आ जाते हैं. ठीक है, कई बार यहां पे थ्रेट्स आ जाते हैं. तो सर थ्रेट्स के बारे में थोड़ा समझना है कि थ्रेट्स के केस में हमें क्या समझना है. व्हाट आर द थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस? आओ मैं आपको थोड़ा थ्रेट्स के बारे में बताऊं. दिक्कत ही तो यह है जब हम सीधा सीधा चल रहे होते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ आ जाती है. तो ये कहता है कोड ऑफ एथिक्स फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स प्रिपेयर्ड बाय इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स. बहुत बड़े बड़े तीखे तीखे नाम है, इनको तुम छोड़ो, अभी बस इतनी सी बात समझो. देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ थ्रेट्स, अराउंड फाइव टाइप्स ऑफ थ्रेट्स है. सर पांच थ्रेट्स क्या क्या है, एक एक करके करते हैं. सबसे पहले कहते हैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट. यानी एज एन ऑडिटर आपका इस एंटिटी में जिसका आप ऑडिट कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट है. ये कब होंगे सर? जब ऑडिटिंग फर्म या फिर उसका कोई पार्टनर या उसका कोई एसोसिएट बेनिफिट ले सकता है इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द ऑडिट क्लाइंट. उनको कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है. सर फाइनेंशियल इंटरेस्ट किस किस तरह के हो सकते हैं? इट कैन बी अ डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट. जो ऑडिटर है वो उस कंपनी में शेयर्स होल्ड करता है. शेयर्स होल्ड करता है. साथ ही साथ जो ऑडिटर है उसने उस कंपनी को कोई लोन दे रखा है या उस कंपनी से लोन ले रखा है. दोनों ही केसेस में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है. इसके अलावा फीस. सर ऑडिटर को क्या मिल रही है? फीस मिल रही है. जो उसको फीस मिल रही है वो बहुत ही ज्यादा है.
इतनी ज्यादा फीस है कि उसको डर है कि कहीं ये क्लाइंट छूट ना जाए. ही इज हैवीली डिपेंडेंट ऑन द फीस फ्रॉम दिस क्लाइंट. यानी अगर बाकी क्लाइंट से सबसे मिला के उसको 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, उस 1 करोड़ रुपए में से 90 लैक्स तो यही क्लाइंट दे रहा है. 1 करोड़ में से 90 लैक्स अगर एक ही क्लाइंट देगा तो भाई मुझे तो डर लगेगा कहीं ये क्लाइंट हाथ से छूट ना जाए. सेकेंड पॉइंट, जो ये फीस है ये कंटिंजेंट है, यानी ये फिक्स्ड फीस नहीं है. अगर कंटिंजेंट होगी और सामने वाले की आप गलतियां निकालोगे, क्या वो आपको फीस देगा? नहीं सर, कोई फीस नहीं देगा. नेक्स्ट पॉइंट, आपकी सामने वाले पार्टी के साथ बिजनेस रिलेशन है. सर ये बिजनेस रिलेशन का क्या मतलब है? देखो, दो तरह की बिजनेस रिलेशन हो सकती है. पहली बिजनेस रिलेशन है, मान लो सामने वाली कंपनी है आईटीसी. आपको पता है आईटीसी के बड़े बड़े होटल्स होते हैं. हाँ सर, बड़े बड़े होटल्स होते हैं. तो आईटीसी होटल्स ने ऑडिटर को क्या किया, न्यू ईयर पे इनको बोला कि हम आपको न्यू ईयर, हमारी जो पार्टी होती है इसके हम आपको फ्री पासेस दे रहे हैं. हम आपको न्यू ईयर पार्टी के फ्री पासेस दे रहे हैं. मार्केट में इसका जो रेट है, मार्केट रेट इज 20,000 रुपीज. अब एक बात बताओ, 20,000 की चीज जब फ्री में मिलेगी तो क्या ऑडिटर की इंडिपेंडेंस मेंटेन रहेगी या इंडिपेंडेंस की बैंड बज जाएगी? बताना जरा. अगर आपको 20,000 की चीज फ्री में मिलती है तो क्या इंडिपेंडेंस बनी रहेगी या इंडिपेंडेंस की बैंड बज जाएगी? क्विकली लेट मी नो. क्या लगता है? बैंड बज जाएगी. वेरी वेरी गुड. इसी तरह हमारा जो ऑडिटर है सर, ये जो ऑडिटर है ये ना, इसको अलग अलग तरह की सर्विसेज देता है. एग्जाम्पल के तौर पे, पहले तो ऑडिट की सर्विस देता है. उस ऑडिट की सर्विस के लिए ये मान लो इनसे 1 लाख रुपए लेता है. सर इसके अलावा और भी कई सारी सर्विसेज देता है. एंड वो जो सर्विसेज देता है उसके लिए जो इसको फीस मिल रही है, उसके लिए जो इसको फीस मिल रही है वो बाकी सर्विसेज के लिए 10 लाख रुपए मिल रही है. अब एक बात बताओ, एक तरफ ऑडिट की 1 लाख, एक तरफ बाकी सर्विसेज की 10 लाख, ऑडिटर का ध्यान कहाँ जाएगा? सर बाकी सर्विसेज की तरफ. ऑडिटर का जो ध्यान है वो बाकी सर्विसेज की तरफ जाएगा. तो क्या ये प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट ड्यू डिलीजेंस वाले तरीके से काम करेगा या फिर जल्दबाजी में काम करेगा? सर ऑडिट का काम पूरा जल्दबाजी में करेगा, ये ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा. तो इसी वजह से यहां पे दिक्कत आ जाएगी, इसी वजह से यहां दिक्कत आ जाएगी. एंड लास्ट पॉइंट इज सर, हमारी ऑडिट फर्म में एक बंदा है, वो इस क्लाइंट पे हमने ऑडिट करने के लिए लगाया है. जो क्लाइंट है इसने 50 लाख की एम्प्लॉयमेंट का ऑफर दिया है. इस बंदे को क्लाइंट ने 50 लाख की एम्प्लॉयमेंट का ऑफर दिया है. तो क्या लगता है, ये बंदा इस क्लाइंट की गलतियां निकालेगा या नहीं निकालेगा? सर कोई गलती नहीं निकालेगा. जिस बंदे को ऑडिट फर्म में 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, अगर क्लाइंट उसको 50 लाख रुपए देगा तो क्या ये क्लाइंट की गलतियां निकालेगा? नहीं, ये क्लाइंट की कोई गलती नहीं निकालेगा. अल्टीमेटली इसकी इंडिपेंडेंस की भी बैंड बच जाएगी. तो हमने जो अभी टॉपिक डिस्कस किया उसका नाम क्या था सर? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट. सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का मतलब है यू आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द ऑडिट क्लाइंट. फाइनेंशियल इंटरेस्ट कैसे कैसे हो सकता है? इट कैन बी अ डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट. सर दूसरा, ऑडिट फर्म को क्या मिलती है? फीस. फीस दो तरह की, एक तो बहुत ज्यादा फीस मिल रही है, दैट इज अ वेरी हैवी फीस एंड द ऑडिटर इज डिपेंडेंट ऑन इट. एंड सेकेंड टाइप ऑफ फीस क्या होती है सर? कंटिंजेंट फीस. सेकेंड टाइप ऑफ फीस क्या होती है? कंटिंजेंट फीस. इसके अलावा और क्या क्या फाइनेंशियल रिलेशन हो सकता है सर? आप उसके साथ बिजनेस रिलेशनशिप में हो सकते हो, आप उसके एम्प्लॉय बन सकते हो. अगेन, आप उसके साथ बिजनेस रिलेशनशिप में हो सकते हो, आप उसके एम्प्लॉय बन सकते हो. यही बस 4-5 बातें आपने ध्यान में रख के चलनी है. ठीक है, आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर. अगर ये पॉइंट्स क्लियर है तो फटाफट ये जो 4-5 बातें हैं इनको अभी के अभी याद करो और मुझे कंफर्म करो. गिविंग यू 1 to 2 मिनट्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. शुरू हो जाओ. सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट इज अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल इंटरेस्ट के 5 एग्जाम्पल्स बस आपने ध्यान में रखने हैं. क्विकली लर्न देम एंड कंफर्म, देन वील मूव अहेड.
कम ऑन, आंखें बंद करके एक बार रिकॉल कर लेना चारों पांचों बातें। तन्वी, कंटिंजेंट का क्या मतलब है? कंटिंजेंट का मतलब है आपकी फीस ना क्लाइंट ने फिक्स नहीं की, कह रहे जैसी आपकी सर्विसेज होंगी वैसी उसको आपको फीस देगा। तो आप एक बात बताओ, जब आपको पता है आपकी फीस क्लाइंट के ऊपर डिपेंडेंट है तो आप क्लाइंट की गलतियां निकाल पाओगे क्या? नहीं सर, कैसे निकालेंगे? अगर हमने उसकी गलतियां निकाल दी तो हमको फीस ही नहीं देगा, तो दिक्कत की बात हो जाएगी। यही पॉइंट आपने ध्यान में रख के चल, बस इतनी सी बात आपने ध्यान में रख के चलनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ रिव्यू थ्रेट। अगला पॉइंट है आपका सेल्फ रिव्यू थ्रेट। एग्जाम्पल के तौर पे बड़े ही प्यारे प्यारे एग्जाम्पल है। सोचो ये है सर ऑडिटर, ये है क्लाइंट। इस क्लाइंट के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये इसी बंदे ने बनाए हैं। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये किसने बनाया सर? ऑडिटर ने ही बनाया है। अब ये ऑडिटर जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है ये इन्हीं को चेक करने आया है। क्या इसमें कोई गड़बड़ है? क्या इसमें कोई गड़बड़ है सर? ये तो ऐसे ही लग रहा है आईसीआई का जो पेपर हम देते हैं वो हम ही चेक कर रहे हैं। तो जब आपकी करी हुई चीज आप ही चेक करोगे तो क्या आप इसमें से कभी कोई गलती निकाल पाओगे क्या? नहीं, फंडामेंटली गलत है। तो यही आपका पॉइंट है सेल्फ रिव्यू थ्रेट। जब आप अपनी ही चीज को रिव्यू करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी ऑब्जेक्टिविटी खराब हो जाती है। तो एज अ ऑडिटर यू शुड अवॉइड द सेल्फ रिव्यू थ्रेट। यानी कुछ ऐसी सर्विसेज हैं, देयर आर सर्टेन सर्विसेज जो आप कंपनी को नहीं दे सकते इन केस आप कंपनी के ऑडिटर हो। क्या आपने सेक्शन 144 के बारे में पढ़ा है? सेक्शन 144 आपने ना लॉ में पढ़ा होगा। इसमें कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो आप नहीं दे सकते। एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से समझना। एक मिनट देना। जैसे कि अकाउंटिंग और बुककीपिंग सर्विस, ठीक है, जैसे कि आपकी अकाउंटिंग एंड बुककीपिंग सर्विस, साथ ही साथ और कौन कौन सी सर्विस होती थी सर? इसमें आ जाती है आपकी एक्चुरियल की सर्विस, एक्चुरियल सर्विसेज। फिर आता है सर इंटरनल ऑडिट सर्विस, फिर आती है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, ठीक है, ये आप लॉ में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं आपको बस रिवाइज करा रहा हूं। फिर आती है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस, देन यू टॉक अबाउट आउटसोर्स्ड फाइनेंशियल सर्विस, फिर आती है आपकी अदर मैनेजमेंट सर्विस, एक और होता है डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, एंड आता है फिर एनी अदर सर्विस, ठीक है। ऐसे करके अपन इसको खत्म कर देते हैं। सर आपको ये सारे नाम कैसे आते हैं? बैंकिंग सर्विस जैसा कुछ नहीं होता। बैंकिंग सर्विस, ऑडिटर कब से बैंकिंग सर्विस देने लग गया? क्या मजाकी वाली बातें कर रहे हो तुम? है ये सारे सर सर्विसेज कैसे नाम है, याद कैसे है आपको? देखो ध्यान से समझना। सबसे पहले याद रखो बुककीपिंग सर्विस, ठीक है, बी फॉर बुककीपिंग सर्विस, ए फॉर एक्चुरियल सर्विस, ठीक है सर। फिर याद रखो IN, फिर याद रखो IN, एंड IN से आपके तीन पॉइंट्स कवर हो जाते हैं सर। तीन पॉइंट्स कौन से? इंटरनल ऑडिट, फिर दो पॉइंट इन्वेस्टमेंट वाले, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। एंड फिर आप बोलोगे सर बेन, ये क्या बन गया? इसको बोलते हैं बेन। क्या आपने बेन कंपनी का नाम सुन रखा है? बेन मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी है जो बहुत बढ़िया बढ़िया बड़ी बड़ी कंपनीज को कंसल्टेंसी की सर्विस देती है। बेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो। सर फाइनेंशियल का क्या मतलब है? आउटसोर्स्ड फाइनेंशियल सर्विस एंड डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी जो एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, अगर आपने खुद ही उनको डिजाइन किया है, आप ही ने उनको बनाया है, तो आप कैसे चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड इसी तरह अगर मैं बात करूं अदर मैनेजमेंट सर्विस या एनी अदर सर्विस, तो ये सारी सर्विसेज भी आप नहीं दे सकते।
बेसिकली एज एन ऑडिटर सब केसेस में आपका कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, सब केसेस में सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाता है। तो इसी सेल्फ रिव्यू थ्रेट को एड्रेस करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 ने सेक्शन 144 डाला, और सेक्शन 144 में बोला ना तो आप कंपनी को, ना आप उसकी होल्डिंग को, ना आप उसकी सब्सिडरी को, तीनों को ही आप क्या है, ये सर्विसेज नहीं दे सकते। अगर आप इस कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, तो आप तीनों को ही ये सारी सर्विसेज नहीं दे सकते। इसी वजह से आपके लॉ के टीचर ने आपको ये सारी सर्विसेज पढ़ाई होंगी। तो प्लीज इस पॉइंट को याद रखना, बेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज। अगर आप चाहो तो मैं एक मिनट दे रहा हूं अभी के अभी, एक बार इन सर्विसेज को याद कर लो। सेम टू सेम चीज कंपनी ऑडिट में भी काम आएगी, सेम टू सेम चीज हमको कंपनी ऑडिट में काम आएगी। फटाफट एक बार इनको याद कर ही लो, कम ऑन यू कैन डू इट, जल्दी से बेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विस करके इसको अभी के अभी याद करके मेरे को बताओ। वेरी गुड दिशिका, अदर्स प्लीज बी फास्ट। बी फॉर अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, ए फॉर एक्चुअरियल सर्विस, ठीक है, अगेन बी फॉर अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, ए फॉर एक्चुअरियल सर्विसेज, आई एन फॉर इंटरनल ऑडिट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, अगेन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एंड लास्ट में हमारे पास आ जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एनी अदर सर्विस। अगर आप ये सारी सर्विसेज दे रहे हो तो डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे एज एन ऑडिटर, ठीक है। तो यही पॉइंट आपने याद रखने हैं इन केस ऑफ अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट मतलब आप रिव्यू कर रहे हो ऐसी जजमेंट का, ऐसा कंक्लूजन का जो आपने खुद रीच किया था इन द प्रीवियस ऑडिट और नॉन ऑडिट एंगेजमेंट। सर ये नॉन ऑडिट एंगेजमेंट का क्या मतलब है, जो मैंने आपको अभी सेक्शन 144 के एग्जांपल्स बताए। नॉन ऑडिट सर्विस इंक्लूड्स एनी प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडेड अदर देन द ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दीज इंक्लूड मैनेजमेंट सर्विस, इंटरनल ऑडिट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द आईटी सिस्टम्स, और व्हेन द मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम वाज प्रीवियसली द डायरेक्टर और द एम्प्लॉय ऑफ द क्लाइंट। अगर आप ही क्लाइंट के एम्प्लॉय और डायरेक्टर रहे हैं, आप ही ने क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, तो भाई साहब दिक्कत हो जाएगी, फिर आप गलतियां नहीं निकाल पाओगे। तो व्हेनेवर यू आर रिव्यूइंग द जजमेंट और कंक्लूजन रीच्ड इन द प्रीवियस ऑडिट और नॉन ऑडिट एंगेजमेंट, हम इसको सेल्फ रिव्यू थ्रेट का नाम देते हैं। सर इंस्टेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, ऑडिटर वॉज रिसेंटली द डायरेक्टर और सीनियर ऑफिसर ऑफ द कंपनी, या फिर ऑडिटर ने खुद परफॉर्म करी है सर्विसेज विच आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट। सर सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट का क्या मतलब है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट मींस जिस चीज का ऑडिट हो रहा है, जिस चीज का आप ऑडिट कर रहे हो उसको हम सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट बोलते हैं। एग्जाम्पल एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब आप एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन दे रहे हो और आप ही ने वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया तो किस बात का ओपिनियन, आप तो बायस्ड रहोगे, समझ रहे हो, आपकी तो बायसनेस होगी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। सर और बताओ, हम जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं तो एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर भी रिपोर्टिंग करते हैं। सर इंटरनल कंट्रोल्स क्या है, एंटिटी के प्रोसेसेस, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जब आपने वो प्रोसेस खुद ही बनाया है, यू आर योरसेल्फ इन्वॉल्व्ड इन द डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो फिर आप उस पर ओपिनियन कैसे दे सकते हो, आप तो बायस्ड होगे। तभी इन्होंने कहा कि ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए, या ना तो आप कंपनी के डायरेक्टर और ऑफिसर, ना यू शुड बी इन्वॉल्व्ड विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एंगेजमेंट। क्या सब्जेक्ट मैटर ऑफ एंगेजमेंट का मतलब क्लियर है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट मींस जिस चीज का ऑडिट हो रहा है उससे आपका कोई भी नाता नहीं होना चाहिए। क्या ये पॉइंट समझ में आया, यस सर। एडवोकेसी थ्रेट, सर ये एडवोकेसी थ्रेट क्या है, बेसिकली आप क्लाइंट के लिए एडवोकेट ही बन गए, आप कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने आए हो और आप कंपनी को कोर्ट में जाके प्रमोट कर रहे हो, आप कोर्ट में उसके लिए केस लड़ रहे हो, क्या आपको नहीं लगता आपकी ऑब्जेक्टिविटी की कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, आपकी ऑब्जेक्टिविटी की बैंड बच जाएगी। हाँ सर,
अगर मैं जिस एंटिटी का ऑडिट कर रहा हूं उसी एंटिटी के लिए कोर्ट में लड़ूंगा, तो कहीं ना कहीं अब मेरा एंटिटी के साथ जो इंडिपेंडेंस है वो अफेक्ट होगा। तो प्लीज इस बात को याद रखना, व्हेन द ऑडिटर प्रमोट्स और इज परसीव्ड टू प्रमोट, ऐसा दिख रहा है क्लाइंट का ओपिनियन टू अ पॉइंट, इस कदर आप अपने क्लाइंट को सपोर्ट कर रहे हो, इस कदर आप अपने क्लाइंट को प्रमोट कर रहे हो कि कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, योर ऑब्जेक्टिविटी इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज। सो दिस इज कॉल्ड एडवोकेसी थ्रेट। इसका पहला एग्जाम्पल तो बहुत आसान है, एक्टिंग एज अ एडवोकेट इन केस ऑफ लिटिगेशन और थर्ड पार्टी डिस्प्यूट। दूसरा, आप कंपनी के शेयर्स के प्रमोटर बन जाते हो, आप कंपनी के शेयर्स के प्रमोटर बन जाते हो, तो अगर आप उसके शेयर्स के प्रमोटर बन जाओगे या उसके शेयर्स में डीलिंग वगैरह शेयर शुरू कर दोगे और मार्केट में लोगों को बोलोगे कि कंपनी के शेयर्स खरीद लो, तो आपको नहीं लगता आप कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा दिखाना चाहोगे? डेफिनेटली सर, अगेन योर ऑब्जेक्टिविटी विल गेट कॉम्प्रोमाइज। तो यही दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, डीलिंग इन द शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड सेकेंड पॉइंट इज एक्टिंग एज एन एडवोकेट फॉर द कंपनी। दिस इज द एडवोकेसी थ्रेट, दैट इज, बोलना मेरे साथ, प्रमोटिंग और परसीव टू प्रमोट द क्लाइंट्स ओपिनियन टू अ पॉइंट, इस कदर आप क्लाइंट को प्रमोट कर रहे हो दैट दिख रहा है दैट द पीपल में बिलीव दैट द ऑब्जेक्टिविटी इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज। एंड सर, ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब था? नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग योर प्रोफेशनल जजमेंट। किसकी वजह से? सर, खुद की बायसनेस, खुद के यू कैन से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से। बीसी बोला था ना मैंने, बायसनेस एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एंड दूसरे का क्या होता है सर? अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो आपकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट द एडवोकेसी थ्रेट। आई होप एडवोकेसी थ्रेट इज क्लियर टू यू। अभी तक कितने थ्रेट्स पढ़ लिए? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट एंड एडवोकेसी थ्रेट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फैमिलियरिटी थ्रेट। सर, फैमिलियरिटी थ्रेट नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा यहाँ पे? फैमिली रिलेशन। आपकी अगर क्लाइंट के अंदर फैमिली रिलेशन है तो क्या आप क्लाइंट की गलतियां निकाल पाएंगे? सर, बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। जब आपका खुद का फैमिली मेंबर ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, कैसे गलतियां निकालोगे? सोचो आपकी वाइफ, जो आपकी वाइफ है उसका जो वो होता है ना भाई, उसको क्या कहते हैं सर? साला। आपका जो साला है वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, क्या आप उसकी गलतियां निकाल पाओगे? और अगर निकाल पाओगे तो क्या रात को चैन से सो पाओगे? जल्दी से बताना, इज इट पॉसिबल टू हैव अ फेमिलैरिटी थ्रेट एंड नॉट गेट योर ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज? प्लीज लेट मी नो। हाँ भाई, फेमिलैरिटी थ्रेट में हो पाएगा क्या? बच्चे कह रहे सर सुंदरलाल और जेठालाल, वेरी वेरी गुड। तो अगर जेठालाल ऑडिटर होता, अगर जेठालाल ऑडिटर होता तो क्या वो सुंदर की गलतियां निकाल पाता? सर नहीं, बिल्कुल गलतियां नहीं निकाल पाता। तो यही पॉइंट आपने याद रखना है, अगर ऑडिटर ने रिलेशनशिप बना ली विद अ क्लाइंट, दैट दे एंड अप बीइंग टू सिंपैथेटिक टू द क्लाइंट्स इंटरेस्ट, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसके एग्जांपल भी ऐसे ही हैं जैसे इसकी बातें हैं। क्लोज रिलेटिव, आपका एक क्लोज रिलेटिव काफी सीनियर पोजिशन में है इन द क्लाइंट कंपनी। सेकेंड पॉइंट, आपका कोई पुराना पार्टनर, ठीक है, अब वो क्लाइंट का डायरेक्टर या सीनियर एम्प्लॉय बन चुका है, या फिर ये जो केस है सर, लॉन्ग एसोसिएशन। लॉन्ग एसोसिएशन का क्या मतलब है? इतने टाइम से आप क्लाइंट के साथ ऑडिट कर रहे हो कि अब तो फैमिली वाली फीलिंग आ गई है। सो इफ देयर इज अ लॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन द ऑडिटर एंड द क्लाइंट, तो भी दिक्कत की बात है। एंड लास्ट पॉइंट इज जो आपका क्लाइंट है वो आपको गिफ्ट और हॉस्पिटैलिटी देता है। सर, हॉस्पिटैलिटी यानी उसने आपको मान लो गोवा की ट्रिप दे दी, तो भाई साहब किस बात की ट्रिप दे रहा है? वो आपको देता है 2 nights 3 days का स्टे, वो आपको दे देता है कोई बढ़िया सी गाड़ी, वो आपको दे देता है कोई बढ़िया सा घर। तो भाई साहब ये क्यों दे रहा है? ये गिफ्ट्स और हॉस्पिटैलिटी इसलिए दे रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपने एक फैमिली वाली फीलिंग बना ली है। तो यही चार बातें आपने ध्यान में रखनी है सर। चार बातें क्या हैं? या तो क्लाइंट आपका क्लोज रिलेटिव है, या फिर आपका जो पुराना पार्टनर है वो अब क्लाइंट का क्या बन गया है? ऑफिसर बन गया या डायरेक्टर बन गया है। दो पॉइंट दिमाग में गए सर। पहला पॉइंट, क्लोज रिलेटिव हमारा क्लाइंट है, फिर से क्लोज रिलेटिव हमारा क्लाइंट है, या फिर सेकंड पॉइंट क्या था? हमारा जो पार्टनर है वो क्लाइंट का क्या बन गया सर? डायरेक्टर या ऑफिसर। दो पॉइंट हो गए।
अब जब ये दो चीजें हो गई हैं, इसके बाद तीसरा पॉइंट ये है, हम इतने टाइम से क्लाइंट के साथ जुड़े हुए हैं कि अब फैमिली वाली फीलिंग आ गई है। लॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन द ऑडिटर एंड द क्लाइंट, एंड सर इतनी एसोसिएशन हो गई है अब क्लाइंट हमको गिफ्ट भी देता है, हॉस्पिटैलिटी भी देता है। फटाफट ये चारों पॉइंट फेमिलियरिटी थ्रेड के अभी याद करेंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, शुरू हो जाओ अभी के अभी। ये चारों पॉइंट ध्यान में रख के मुझे बताओ, या तो क्लाइंट आपका क्लोज रिलेटिव है, या आपका पार्टनर क्लाइंट का डायरेक्टर और एम्प्लॉय बन चुका है, या फिर आपकी इतनी लॉन्ग एसोसिएशन है कि अब आपको फैमिली वाली फीलिंग आ रही है। क्लाइंट के काउंटर पार्ट मींस क्लाइंट के एम्प्लॉयज। पेज नंबर इज 11, 11 पेज पे आ जाओ। सिग्निफिकेंट गिफ्ट यानी बहुत बड़ा गिफ्ट मिला तुमको, ठीक है? सिग्निफिकेंट गिफ्ट तुमको मिल गई, रोल्स रॉयस। ऑसम, बड़े आगे। चलो सर, नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक, एंड लास्ट टॉपिक इज अबाउट द इंटिमिडेशन थ्रेट्स। सर, इंटिमिडेशन थ्रेट का क्या मतलब है? इंटिमिडेट करना क्या मतलब है? सामने वाले को डराना। हाँ, यही लिखा है, देखो क्या लिखा है। ऑडिटर को डराया जा रहा है, ऑडिटर को डराया जा रहा है, यानी ऑडिटर्स आर डेटर्ड, उनको डराया जा रहा है फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली विद एडिक्वेट डिग्री ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को ना स्टार मार्क कर लो, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है? अभी बस आप इतना याद रखो, अगर ऑडिटर को डराया जाएगा यानी उसको डेटर किया जाएगा फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली, यानी विदाउट एनी बायसनेस, विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, विदाउट एनी, थर्ड पॉइंट क्या था, दूसरे की वजह से क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो अगर उसको बायसनेस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस के बिना एक्ट करने से रोका जाएगा, डराया जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं इंटिमिडेशन थ्रेट, सामने वाले को अनकंफर्टेबल फील कराना। सर, कैसे अनकंफर्टेबल फील कराते हैं? सबसे पहले तो आपको ना धमकी देते हैं। सर, धमकी क्या है? हम तुमको निकाल देंगे। थ्रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ओवर डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट यानी कल को अगर उनके बीच में कुछ बहस हो गई, ऑडिटर कहता है ऐसा होना चाहिए, क्लाइंट कहता है ऐसा कैसे, ऐसा होना चाहिए, दोनों के ओपिनियंस में डिफरेंस है, इफ देयर इज अ इफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द टू, एंड क्लाइंट बोले तुमको कुछ नहीं आता, तुम निकलो पतली गली से, तो ऑडिटर को तो अच्छा नहीं लगेगा, ऑडिटर तो बेचारा घबरा जाएगा, कहता चलो ठीक है जैसा आप कहोगे वैसा मैं कर लूंगा, मुझे भी तो फीस चाहिए। तो इफ द ऑडिटर इज इम्पोज्ड अ थ्रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ओवर द डिसएग्रीमेंट विद द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, या फिर ऑडिटर को कहा जा रहा है भाई तुम काम बहुत कम करो, तुम ना बहुत एविडेंस इकट्ठे कर रहे हो, तुम बहुत ज्यादा एविडेंस इकट्ठे कर रहे हो, इस वजह से हमारी फीस बढ़ती जा रही है, तो तुम काम कम करो फिर हम तुमको कम फीस देंगे। तो अगर ऑडिटर को काम कम कराया जाएगा तो ऑडिटर तो ठीक से अपना ओपिनियन नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो अपना ओपिनियन ठीक से नहीं दे पाएगा तो कहीं ना कहीं उसकी ऑब्जेक्टिविटी को इंपैक्ट आएगा। तो यही पॉइंट आपने याद रखना है, प्रेशर टू डिसप्रोपोर्शनेटली रिड्यूस द वर्क इन रिस्पॉन्स टू द रिड्यूस्ड ऑडिट फीस। एंड लास्ट पॉइंट इज, क्लाइंट कह रहा है अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना, मैं तुम पे केस कर दूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा, और ऑडिटर बेचारा घबरा जाता है और फिर क्लाइंट से एग्री कर लेता है। सो इफ यू आर थ्रेटनिंग द ऑडिटर विद लिटिगेशन, तो ये भी एक दिक्कत की बात हो जाएगी। तो आप बस ये तीन पॉइंट्स याद रखना सर। सबसे पहले आपने क्या याद रखना है, थ्रेट। थ्रेट ना दो चीजों का, या तो निकाल देंगे और अगर नहीं निकलता तो उसके ऊपर केस कर देंगे, कम ऑन वापिस, या तो उसको निकाल देंगे, थ्रेटन, थ्रेट ऑफ रिप्लेसमेंट, या फिर अगर वो नहीं निकलता तो उस पे लिटिगेशन कर देंगे, केस कर देंगे। सर, जैसे ही हमने उसको ये धमकियां दी कि हम उसको निकाल देंगे, हम उस पे केस कर देंगे, उसको बेचारे को प्रेशर आ गया, उसको बेचारे को प्रेशर आ गया। सर, प्रेशर का क्या मतलब है? प्रेशर टू रिड्यूस द वर्क, क्योंकि उसको फीस भी पूरी नहीं मिल रही।
प्रेशर टू रिड्यूस द वर्क, क्योंकि उसको फीस भी पूरी नहीं मिल रही। तो यही सारे थ्रेट्स हैं जो ऑडिटर को डेटर करते हैं फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली। क्या ये पांचों के पांचों थ्रेट्स क्लियर हैं? हाँ सर, ये पांचों के थ्रेट्स क्लियर हैं। अगर कल को हमसे कोई पूछ ले पांच थ्रेट्स क्या हैं, तो हम क्या बोलें? तो मैं आपको बताता हूं, एक ना ड्रिंक आती है, एक ड्रिंक आती है जो आपकी बॉडी के जितने भी थ्रेट्स है ना उसको दूर भगाती है, उस ड्रिंक का नाम है साफी। तो ये साफी जो है ना, इसी साफी को आपने बस याद रखना है। सर साफी का क्या मतलब है? एस फॉर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का क्या मतलब था? जो भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट के एग्जांपल है वो इसका पार्ट बन जाते हैं। सर फाइनेंशियल इंटरेस्ट में हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था? डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। अगर मैं किसी कंपनी में शेयर्स में सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता हूं, दैट इज अ डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। दूसरा एम्प्लॉयमेंट थी, बिजनेस था, फीस जो थी वो बहुत ज्यादा थी, डर था कहीं मैं क्लाइंट को खोना दूं, और कंटिजेंट फीस थी। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट के अंदर क्या होता था? आई वॉज रिव्यूइंग द जजमेंट जो मैं पहले कर चुका था किसी ऑडिट या नॉन ऑडिट एंगेजमेंट में। सर नॉन ऑडिट एंगेजमेंट के एग्जाम्पल्स वही सेक्शन 144 वाले बेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज। सर बेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विस का क्या मतलब है? बी फॉर अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, ए फॉर एक्चुअरियल सर्विसेज, आई एन फॉर इंटरनल ऑडिट सर्विस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या थी? आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट सर्विस। क्या ये सारी सर्विसेज हमने डिस्कस कर ली? यस सर। फिर मैंने आपको बोला एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी थ्रेट का मतलब है आप क्लाइंट के इंटरेस्ट को ना प्रमोट किए जा रहे हो। इस कदर, सर इस कदर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जल्दी से बताना चैट बॉक्स में, इस कदर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रमोटिंग अ क्लाइंट्स इंटरेस्ट। इस कदर मींस टू अ पॉइंट, टू अ पॉइंट दैट द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द ऑडिटर इज कॉम्प्रोमाइज। सर इसके एग्जांपल बताना, शेयर्स प्रमोशन यानी डीलिंग इन द शेयर्स ऑफ द क्लाइंट। सेकंड पॉइंट, एक्टिंग एज एन एडवोकेट फॉर द क्लाइंट। अगर आप अपने क्लाइंट के डिस्प्यूट्स में, लीगल डिस्प्यूट्स में या थर्ड पार्टी डिस्प्यूट्स में एडवोकेट बनते हैं तो आपका एडवोकेसी थ्रेट आ जाएगा। फिर हमने फोर्थ में डिस्कस किया था साफी। एस फॉर क्या था? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। दूसरा एस था सेल्फ रिव्यू थ्रेट। एफ का मतलब, ए का मतलब था एडवोकेसी थ्रेट, एंड एफ का मतलब क्या था? F माने फैमिलियरिटी थ्रेड। फैमिलियरिटी थ्रेड यानी जो क्लाइंट का बंदा है वो मेरा फैमिली मेंबर है, या फिर मेरा जो पुराना पार्टनर है अब वो क्लाइंट का बंदा बन गया है। देखो, या तो मेरा फैमिली मेंबर क्लाइंट का बंदा बन गया या मेरा पार्टनर, पार्टनर भी तो फैमिली की तरह ही है। जो मेरा पार्टनर था वो भी मेरी फैमिली की तरह ही था, वो भी मेरा दिमाग पूरा खाता था। तो या तो आपका रिलेटिव क्लाइंट का मेंबर है, या आपका जो पार्टनर है वो क्लाइंट का मेंबर है, या फिर आप क्लाइंट के साथ इतना समय गुजार चुके हो। There has been a long association. Long association मतलब इतनी ज्यादा टाइम से आप क्लाइंट के साथ एसोसिएटेड हो, कहीं ना कहीं अब वो फैमिली वाली फीलिंग बन चुकी है। क्योंकि फैमिली वाली फीलिंग बन गई है तो बड़े बड़े गिफ्ट आएंगे, बड़ी बड़ी हॉस्पिटैलिटी आएगी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब हॉस्पिटल नहीं होता, पहले ही बता दूं तुमको। आधे बच्चे तो कह रहे सर ये हॉस्पिटल क्यों भेज रहे ऑडिटर को। हॉस्पिटैलिटी मीन्स फैसिलिटीज। अगर मैं ऑडिटर को घूमने भेजता हूं 5 दिन के ट्रिप के लिए, तो दैट इज अ हॉस्पिटैलिटी, दैट इज अ फैसिलिटी जो ऑडिटर को खुश करेगी। अगर ऑडिटर खुश होगा तो वो मेरी बातों से एग्री करेगा और उसकी ऑब्जेक्टिविटी की बैंड बच जाएगी। तो आपने यही पॉइंट याद रखना है, सिग्निफिकेंट गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम द क्लाइंट। एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट? इंटिमिडेशन थ्रेट। इंटिमिडेशन यानी डराना, डराना यानी डेटर करना। सर डेटर द ऑडिटर फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली। बच्चे ने बिल्कुल सही कहा सर, खातिरदारी। हम हॉस्पिटैलिटी को खातिरदारी का नाम भी कैसे दे सकते हैं। सर डराया कैसे है? डराया कि हम तुमको निकाल देंगे, थ्रेट ऑफ रिप्लेसमेंट, थ्रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दूसरा डराया है कैसे? थ्रेट ऑफ लिटिगेशन, अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम पे केस कर देंगे। और वो बेचारा प्रेशर में आ गया, प्रेशर टू रिड्यूस द ऑडिट वर्क इन रिस्पॉन्स टू द रिड्यूस ऑफ ऑडिट फीस। ठीक है, सो दीज आर द थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। फटाफट इनको मेरे साथ लिखो, व्हाट आर द थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस? सर साफी, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, पहले इसका क्या मतलब है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स। दूसरे इसका क्या मतलब था? सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स। ए फॉर एडवोकेसी थ्रेट्स, एफ फॉर फैमिलियरिटी थ्रेट्स,
एंड आई फॉर इंटिमिडेशन थ्रेट। ठीक है, ये सारे थ्रेट्स के नाम एक बार फटाफट इनको याद करो और मुझे कंफर्म करो, देन वील मूव अहेड। डन 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 डारा, चलेंगे आगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपने क्या करना है ना, बस इन थ्रेड्स के मीनिंग याद रखना। सबसे पहले तो पता होना चाहिए थ्रेड्स क्या क्या है, फिर आपको उनका मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे जब मैं बोलूंगा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड में आप क्या बोलोगे? सर फाइनेंशियल इंटरेस्ट, क्योंकि फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, ऑब्जेक्टिविटी हैम्पर हो जाएगी। जब मैं बोलूंगा सेल्फ रिव्यू थ्रेड, हम क्या रिव्यू कर रहे हैं? सर बेसिकली अवर ऑब्जेक्टिविटी इज कॉम्प्रोमाइज इन केस ऑफ सेल्फ रिव्यू थ्रेट ऑल्सो, बिकॉज वी आर रिव्यूइंग अवर प्रीवियस जजमेंट। ये प्रीवियस जजमेंट हमने कौन सी एंगेजमेंट में की थी? या तो ऑडिट एंगेजमेंट में या नॉन ऑडिट एंगेजमेंट में। एडवोकेसी थ्रेट में क्या आता है? प्रमोटिंग अ क्लाइंट इंटरेस्ट टू इस कदर, सर इस कदर मीन्स टू अ पॉइंट अवर ऑब्जेक्टिविटी इज कॉम्प्रोमाइज। फेमिलैरिटी थ्रेट मीन्स इतनी फेमिलैरिटी वाली फीलिंग है कि कहीं ना कहीं देर इज अ फीलिंग ऑफ, देर इज अ फीलिंग ऑफ क्या? सहानुभूति आ गई थी ना हमको। सहानुभूति यानी सिंपेथेटिक, आप बहुत ज्यादा एस्पोर्ट सिंपेथेटिक हो जाते हो क्लाइंट को लेके। एंड लास्ट पॉइंट वाज इंटिमिडेशन थ्रेट यानी डेटरिंग द ऑडिटर, कहीं ना कहीं आप ऑडिटर को डरा के रख रहे हो एंड इस वजह से वो बेचारा ऑब्जेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा। दो तरह के थ्रेट्स थे, या तो हम आपको निकाल देंगे दैट इज रिप्लेसमेंट, अगर नहीं जाओगे तो लिटिगेशन कर देंगे, एंड वो बेचारा फिर प्रेशर में आ गया। तो दीज आर द थ्रेट्स। बट मजे की बात बताओ सर, देखो प्रॉब्लम्स तो हैं सबके साथ, बस सॉल्यूशन की है बात। तो आफ्टर द ब्रेक वी आर गोइंग टू डिस्कस द सॉल्यूशन, आफ्टर द ब्रेक वी आर गोइंग टू डिस्कस द सॉल्यूशन, कैसे इन थ्रेड से ऑडिटर डील कर सकता है। सो नाउ इज द टाइम फॉर द ब्रेक, एंड आफ्टर द ब्रेक वील डिस्कस कैसे ऑडिटर इनसे डील करेगा। ठीक है, ब्रेक पे जाओ, फिर ब्रेक से वापस आना, फिर डिस्कस करेंगे।